Good morning, class. Now we will continue with the chapter, the story of village Palanpur. Now I will tell you some modern farming method. There are lots of modern farming method. Nowadays, you can know that people are mostly engaged in farming and they are using modern farming method. First of all is HYV seeds. HYV method of high yielding varieties of seeds. जिनकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है. सेकेंड वन इट इज फर्टिलाइजर. यू नो दैट रिक्वायर्ड अ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर होता है खाद. हमें खाद की जरूरत पड़ती है कि हम लोग क्या करें. खाद हम लोग क्या करते हैं खेतों में डालते हैं जिससे करते हैं सीड्स की जो ग्रोथ होती है वो जल्दी पैदावार बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड वो होते हैं जिन हम लोग क्या करते हैं आराम से पहले जानते हो कि पेड़ पौधे जब हम जो उगाते हैं कीड़ा लग जाता है और इन कीड़ों को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ दवाई यूज करते हैं जिसको हम पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं. फिर आता है आपका इरीगेशन. आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत जरूरत होती है. तो पानी जो होते हैं इरीगेशन की फैसिलिटी हमें बहुत प्रकार से मिलती है. एक तो हमें मिलती है डैम से, एक मिलती है हमें कैनाल से, एक मिलती है हमें पंप सेट से. और दूसरा इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग जानते हो बिजली. बिजली की जरूरत होती है क्योंकि अगर हम कोई पंप सेट चलाएंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. अगर हम कैनाल से पानी निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका आता है क्वेश्चन आ रहा है मिल्स एंड लैंड सस्टेन. क्या लैंड जो है अगर हम देखें अगर हम ज़्यादा तो क्या लैंड जो होगा वो भी क्या सस्टेन कर पाएगा इतने समय तक चल पाएगा. आप सभी लोग जानते हैं लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज द नेचुरल रिसोर्स. आप सभी लोग जानते हैं जो लैंड है वो हमारा क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है और वो हमारी बहुत नेसेसिटी की चीज़ है. अगर हम उसे केयरफुली तरीके से अगर हम उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारा नेचुरल अगर हम उसको ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे नेचुरल रिसोर्स जो होंगे वो क्या होंगे धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. इन मेनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी. कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक्स को फॉलो करा गया और वहाँ की जो सॉयल की जो फर्टिलिटी थी वो क्या होगी खत्म होने लग गई. विद द इंक्रीज यूज ऑफ कैमिकल तो क्यों होने लगी उसका सबसे बड़ा कारण है अगर हम फर्टिलाइजर खाद यूज कर रहे हैं तो खाद भी हम लोग क्या करें भारी मात्रा में ना यूज करें कम मात्रा में हम लोग क्या करें आपको यूटिलाइज करें. वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हम ये सब कुछ सोचकर चलेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो होगा सेफ हो जाएगा और फ्यूचर में क्या होगा हम लोग डेवलप करेंगे. ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का समरी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हू विल प्रोवाइड द लेबर. अब आप देखिए अगर हम खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी में क्या होता है कुछ घर वाले भी इंगेज होते हैं पर हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है. पुराने समय में बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी पर आज क्या है और टेक्निकली वे में अगर हम देखा जाए तो आज हमें क्या कुछ ही लोगों की जरूरत पड़ती है. पर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन हमें प्रोवाइड करेगा. लेबर इज द नेक्स्ट फैक्टर और आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था आपके पास लैंड लेबर एंड कैपिटल. तो लेबर जो होता है वो लैंड की बात करें तो उसके बाद हमारा क्या होगा लेबर जरूर आएगा. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क और फार्मिंग में क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है. स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टीवेटर दे कॉर्न फील्ड. अब छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर क्या करते हैं अपने खेतों में काम करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग टेंशन मीडिया. तो उनको क्या होता है फार्मिंग के लिए क्या होता है लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती. पर जो बहुत बड़े लेवल पे क्या करता है फार्मिंग करता है तो उनको क्या होता है उनको लेबर्स की क्या होती है बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है. तो दे नीड एंड फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. अब क्या होता है जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लेबर्स उनके पास कहाँ से आती है जो मान लो कोई बिग फार्म लैंड है किसी के पास बिग जमीन है बड़ी बड़ी जमीन है तो वो लोग कहाँ से लेबर बुलाएंगे. तो वो लेबर वही ढूंढते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती और दूसरा उनके पास कल्टीवेटिंग के कई सारे मेथड नहीं होते
लेकर के